नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट रिसीवर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, हमने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी और बच्चे बोल रहे हैं कि ये कौन सी वैकेंसी है और ये फॉर्म कौन से हैं, क्या अभी नए फॉर्म लग रहे हैं, जहाँ ये क्या सिस्टम है। आपको बता दें कि एसएससी जीडी के दो साल के बाद, हर दो साल के बाद भर्ती होती है, जिसमें लड़के और लड़कियां भर्ती देख सकती हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल इसे बोलते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल वगैरह की कांस्टेबल की पोस्ट होती है। तो वही वैकेंसी आपकी आई थी, जिसका रिटर्न एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट हुआ था और रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद कुछ बच्चे जो है वो पास हो गए थे। अब जो पास हो गए हैं, उनकी दौड़ वगैरह भी हो गई है, अब उनका मेडिकल होगा। तो आपको बता दें, पूरे भारत की 50,000 वैकेंसी आई थी, जिसमें जेएनडीके की वैकेंसी हम 50,000 में से निकालें तो लड़कों की बिना बॉर्डर के 1,016 वैकेंसी, बॉर्डर के साथ वाले जो बच्चे हैं 458, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कठुआ, सांबा, जम्मू, आप लोगों की रजौरी और पुंछ आती है, पूरी पूरी डिस्ट्रिक्ट आती है, कोई 0 से 10 वाले नहीं होते इसमें, इसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में ही काउंट की जाती है। गर्ल की बात करें तो 129 पोस्टें बिना बॉर्डर की हैं और 64 पोस्टें बॉर्डर वाली लड़कियां हैं। टोटल मेल और फीमेल्स यहां पर मिलाएं 1660 पोस्टें पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हैं। पिछली बार 700 पोस्ट थी, 700 सारी, तो इस बार ट्रिपल वैकेंसी है। तो आप लोगों को बता दें कि मेरिट कितना गया है, सभी बच्चों को पता है, सभी को पता है कि मेरिट ज़्यादा नहीं गया है, लगभग आपको मेरिट का तो हमने ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं। तो अभी आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेडिकल कब तक होगा, तो अभी फिजिकल वगैरह है कुछ जगह पे बचा हुआ, दिल्ली वाली साइड, उनके फिजिकल के एडमिट कार्ड वगैरह भी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया है, तो उनकी अभी दौड़ वगैरह होगी। तो मेडिकल आपका अगस्त के आसपास, तो जैसे मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आप लोगों का जो है वो एक फाइनल लिस्ट निकलेगी, फाइनल लिस्ट में भी आप लोगों का जो है वो मेरिट ऊपर उठेगा। मेडिकल के लिए 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं और उसके बाद फाइनल, आपको मैंने बताया है कि अगर 10 नंबर से ज़्यादा नंबर आपके हैं तो आप लोग अपनी गारंटी मान सकते हैं, डन आपका नंबर। अगर आपके कम भी हैं फिर भी आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी आप लोगों के 8, 9, 10, 10 नंबर बढ़े थे फाइनल में, बट वो अलग कैटेगरी पर डिपेंड करता है। क्या पता ओबीसी वालों के 2 ही नंबर बढ़े, क्या पता एसटी वालों के 5 नंबर बढ़े, क्या पता जनरल वालों के 10 नंबर बढ़े, क्या पता एससी वालों के 3 नंबर बढ़े, वो कैटेगरी और सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि कितने फिजिकल में फिट हुए हैं और वैकेंसी के डाटे के हिसाब से। हमेशा पॉजिटिव सोच के चलोगे तो आप लोगों के चांस बनेंगे। बाकी नई एसएससी जीडी की भर्ती नंबर महीने के बाद ही अब नोटिस आ सकता है, उससे पहले चांस बहुत कम है। 10वीं पास इसके फॉर्म लगते हैं, 18 से 23 साल जनरल की उम्र होती है, 18 से 26 साल ओबीसी की, 18 से 28 साल एससी और एसटी के बच्चों की उम्र होती है इस भर्ती में। तो इसके दोबारा से फॉर्म आ जाएंगे, अगर आपकी उम्र है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। सबसे पहले कंप्यूटर पर रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद दौड़ होती है, दौड़ के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग।